बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान बड़े पर्दे पे वापसी करने के लिए तैयार हैं और उनके फैंस उन्हें देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। शाहरुख खान वायरस की एक्शन थ्रिलर और मच अवेटेड फिल्म पठान से करने वाले हैं कमबैक। इस फिल्म में शाहरुख, दीपिका और जॉन ली रोल में दिखेंगे और साथ ही डिंपल कपाड़िया भी नजर आएंगी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, शाहरुख खान और दीपिका दोनों ही फिल्म में स्पेशल एजेंट के रोल में नजर आएंगे और जॉन अब्राहम फ्रीलांस अंडरकवर टेररिस्ट के रोल में दिखेंगे। जॉन ऐसे व्यक्ति की भूमिका निभाते हुए दिखेंगे जो कि पैसों के लिए काम करता है, जिसकी कोई नेशनैलिटी नहीं है, उसका एकमात्र रिलीजन पैसा है और वो रशियन माफिया के लिए काम करते दिखेंगे जो भारत में एक सीक्रेट रैकेट चलाता है। जॉन इस बार लीन अवतार में नजर आने वाले हैं। मेकर्स जॉन के लिए मल्टीपल लुक टेस्ट कर रहे थे जिसमें बल्कि अवतार भी शामिल था, पर अब उन्होंने लीन अपीयरेंस का सोचा है शाहरुख और जॉन दोनों के लिए। वेल, हम आपको बता दें कि इस फिल्म में होने वाले हैं बहुत सारे सरप्राइजेस। पठान में सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस भी होगा जो उनके फेमस टाइगर के रोल में होगा, जिसमें सलमान शाहरुख को रशियन माफिया से बचाते हुए दिखेंगे। सलमान खान के सीन्स शूट हो चुके हैं। कोरोना के सेकेंड वेव के बाद लॉकडाउन लगने के कारण फिल्म की शूटिंग रुक गई थी, पर अब फिर से शूटिंग स्टार्ट हो गई है। ऑडियंस के हाई एक्सपेक्टेशंस देख के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने 4 एक्शन स्टंट डायरेक्टर्स को हायर करने का सोचा है और कुछ सीक्वेंस को यूरोपियन कंट्रीज में भी शूट करने का डिसाइड किया है। आपको बता दें, पठान 2022 ईद के वीकेंड पे रिलीज होगी और फिल्म में विशाल शेखर का म्यूजिक भी होगा। शाहरुख खान आखिरी बार 2018 में उनकी फिल्म जीरो में दिखे थे। माना जा रहा है लगभग 280 करोड़ के बजट में बन रही पठान उनको एक सुपर हिट कमबैक देगी। शाहरुख इस फिल्म के लिए 100 करोड़ ले रहे हैं, वहीं दीपिका 15 करोड़ और जॉन 20 करोड़ ले रहे हैं। पिछले 1.5 साल से बंद इंडियन थिएटर्स के लिए ये फिल्म एक सुपर गेनर साबित हो सकती है। ऐसे ही बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।